भागलपुर में लोदीपुर थाना क्षेत्र के तबलपुर में जमीनी विवाद में हुई गोलीबारी में एक बच्चा घायल हो गया, जबकि एक अन्य को कुदाल से मारकर घायल कर दिया गया। बताया जाता है मोहम्मद बिट्टू और मोहम्मद इदरीस से उनके पड़ोसी मोहम्मद जावेद का जमीन पर दीवार देने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि मोहम्मद जावेद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बिट्टू के घर पर गोली और बम से हमला कर दिया, जिसमें वहां खड़ा एक बच्चा बम से घायल हो गया। वहीं बीच बचाव करने आए जावेद पर कुदाल से वार कर उसे घायल कर दिया गया। घायल बिट्टू के परिजनों ने बताया मोहम्मद जावेद, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद रहतुल्ला और मोहम्मद इजराइल के चलाए बम से उसका बेटा घायल हो गया। दोनों घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव बताया जाता है। लोदीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। जमीन के बारे में हुआ प्लॉटिंग का जो है उसके बारे में हुआ था। कल ही दीवार दे रहा था, जैसे तरी दिया जाता है वो दिया जा रहा था, तो जसीम दे रहा था। जसीम महल्ले का गांव घर का है। मेरे देवर जो है सोनू, वो बोला कि यहाँ पर हटा के दीजिए, ये आपका नहीं है। वो बोलता मेरा है। सोनू जो बोला कि मेरा, इसी बारे में ये लोग विवाद किया, जो कि कल तो समेटा चला गया। सुबह से बाहरी आदमी को बुला करके ये लोग बम गोली बारूद फायरिंग किया, जिसमें कि एक तो महल्ले के लड़के को लग गया, जो कि दुकान गया था सामान खरीदने के लिए, उसको लगा। मेरे हस्बैंड भी खाना खाने के लिए आए थे, वो गए देखने के लिए, तो उसको भी लग गया है कुदाल से। मामला हुआ सरियाई जमीन का मामला था, ठीक है ना। जमीन में आप रोकने गए, आपको रोकने गए, तो जब आप रोक दिए जमीन को तो ई मान लिया। फिर ई रोकने गए तो आप लोग जो है न माने और आदमी को बुला करके मारपीट करवा दिए। थोड़ा सर हमको मारा जावेद, लोग आदमी को बुलाया था, जावेद सर वसीम था, रिजाउल था, बाहरी आदमी को बुला करके मार करवाया सर। विशेष न्यायालय में शनिवार को पॉक्सो एक्ट में दो अलग अलग मामलों की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश रोहित शंकर ने एक मामले में सबौर के प्रेम नारायण मंडल को दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा सुनाई। वहीं दूसरे मामले में सबौर के ही मोहम्मद गफ्फार को दोषी पाते हुए सजा सुरक्षित रख ली गई। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। प्रेम नारायण मंडल पर आरोप है कि उसकी दुकान पर आई एक बच्ची को बिस्किट खिलाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। वहीं मोहम्मद गफ्फार ने मोहल्ले की ही एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। शादी का दबाव बनाने पर उसने नाबालिग का जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया। दोनों ही मामलों में पीड़िता के माता पिता ने आरोपियों के खिलाफ सबौर में मामला दर्ज कराया था। पॉक्सो न्यायालय में दो केस में, एक में सजा के बिंदु पर सुनवाई थी और एक को सजा के लिए रखा गया था, जिसमें एक सबौर थाना कांड संख्या में प्रेम नारायण मंडल जिसमें अभियुक्त थे, सजा के बिंदु पर उसको 376/511 में 7 साल की सज़ा सुनाई गई। और सज़ा सुनाई गई और पीड़िता को भी इसमें जो है मुआवजा सरकार की ओर से उसको 2 लाख रुपया दिया गया। और एक केस था, वो भी सबौर थाना कांड भी था, 12/2/18 को कांड अंकित किया गया था, उसमें जो है मोहम्मद गफ्फार को 376 और 4 पॉक्सो में दोषी पाया गया और उसकी सजा के बिंदु पर 4 जनवरी 2021 को उसको रखा गया है। इस केस में टोटल 6 गवाह हमारे तरफ से गुजारे गए थे। भागलपुर के घोगा थाना क्षेत्र के पक्की सराय में 20 वर्षीय नवविवाहिता का शव उसके ही घर में फंदे से लटकता मिला। मृतका गणेश तांती की बहू और मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के अरुण दास की बेटी हैं। मायके वालों ने जहां ससुराल वालों पर दहेज के लिए सीमा को मार दिए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं ससुराल वाले विवाद के बाद आत्महत्या की घटना बता रहे हैं। लड़की के परिजनों का आरोप है ससुराल वाले बाइक की मांग करते थे, रुपया नहीं मिलने पर सीमा के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। घोगा थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फांसी लगा कर मार दिया। आपकी बेटी फांसी लगाई या मार दिया ससुराल वाला? हाँ। कौन मारा? कोकरा घरे के लोग ने मारना है, जे रोजे तलाक दे रहे हन मारले, ओकर भैसुरे मारना है। जी जी, गाड़ी कचा हुआ था, वही बार बार ये लोग टॉर्चर करता था, बस यही मामला।
दहेज के लिए टॉर्चर करता था, दहेज के लिए टॉर्चर करता था वो लोग। रेलवे के निजीकरण का विरोध, भागलपुर में डीआरएम कार्यालय की स्थापना करने व स्पेशल ट्रेन के नाम पर यात्रियों से अधिक भाड़ा वसूले जाने के विरोध में नागरिक संघर्ष मोर्चा ने भागलपुर स्टेशन परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। मोर्चा के संयोजक व धरना का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा, कोरोना काल के समय से ही रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर यात्रियों का आर्थिक दोहन कर रहा है। भागलपुर में डीआरएम ऑफिस खोलने की घोषणा 15 साल पूर्व ही की गई थी, लेकिन धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। वहीं उन्होंने सरकार से कृषि कानून भी वापस लेने की मांग की। धरने पर राजद के प्रदेश महासचिव चक्रपाणी हिमांशु, रोशन कुमार, मुकेश मुक्त के अलावा संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। रेलवे में जो लूट है, सरकारी लूट, उसके खिलाफ। सरकारी लूट का मतलब है कि स्पेशल ट्रेन के नाम पर जो भाड़े में बढ़ोतरी हुई है दुगनी तिगनी, उसके खिलाफ भी धरना था। डीआरएम ऑफिस की स्थापना होनी थी भागलपुर में, 15 वर्ष बीत गए, स्थापित नहीं हुआ, उसके लिए धरना था। रेलवे का निजीकरण हो रहा है, मोदी जी ने कहा था कि निजीकरण नहीं होगा, लेकिन उन अपने मन के खिलाफ, अपने कहे हुए शब्दों के खिलाफ उन्होंने रेलवे का निजीकरण शुरू किया। हम सारे लोग का मानना है कि निजीकरण गलत है, ये रेलवे लाइफ लाइन है देश का, इसको बर्बाद करना है, इसलिए निजीकरण वापस लिया जाए। नए कृषि कानून के विरोध में जाप कार्यकर्ताओं का धरना शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर दोहराया कि जब तक सरकार यह कानून वापस नहीं लेती है, हमारा धरना जारी रहेगा। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धरना दे रहे कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य की भी जाँच की। धरने पर बैठे जाप के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय पाठक उर्फ पहाड़ी बाबा ने कहा, वर्षों से किसान कृषि को उद्योग का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार किसानों को उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रखना चाहती है। कार्यकर्ता कानून वापस लेने की मांग करने के साथ कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। किसान विरोधी बिल, इस रूप में इसको देखा जाना चाहिए कि लंबे समय से किसानों का था कि इसको खेती को उद्योग का दर्जा दे, लेकिन अभी तक सरकार ने उद्योग का दर्जा नहीं दिया, बल्कि आज उद्योगपति के हाथों में हमारे कृषि अधिकार को जो है देने का एक साजिश कर रहा है कि ये हमारे कृषि पर आधिपत्य हो जाए उद्योगपतियों का, और हमारा जो अधिकार है वह छीन लिया जाए। बीसीए के तत्वावधान में भागलपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में बीसीए इंटर जोन टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को अंगिका जोन ने मिथिला जोन को 6 विकेट से पराजित किया। वहीं सीमांचल जोन ने शाहबाद जोन को 32 रनों से हरा दिया। टूर्नामेंट में अंगिका जोन और सीमांचल जोन ने दो दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरी मिथिला जोन की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाया। टीम की ओर से आदर्श ने 6 चौके की मदद से नाबाद 34 रन, कमालुद्दीन ने 5 चौकों की मदद से 28 रन और विभूति भास्कर ने 24 रनों का योगदान दिया। अंगिका जोन की ओर से हिमांशु और अभिषेक ने 2-2 विकेट लिए। बल्लेबाजी करने उतरी अंगिका जोन की टीम ने 19 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की ओर से उप कप्तान व रणजी खिलाड़ी बासुकी नाथ ने 50 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि रणजी खिलाड़ी मोहम्मद रहमतुल्ला ने 35 रन, कुमार गौरव राज ने 18 रन बनाए। एक अन्य मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सीमांचल जोन ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। टीम की ओर से विजय भारती ने 44 रन, अंकित सिंह ने 41 रन और अभिषेक ने नाबाद 45 रन बनाए। शाहबाद जोन की टीम के रितेश ने 2 तथा कृष्णा और विकास ने 1-1 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाहबाद जोन की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 143 रन ही बना पाई। राजू ने 40 रन, वरुण राज ने 38 और हर्ष राज ने 37 रन बनाए। रविवार को सुबह के सत्र में शाहबाद जोन और मिथिला जोन और दोपहर के सत्र में अंगिका जोन और सीमांचल जोन के बीच मुकाबला होगा। मैच के अंपायर संजीव कुमार तिवारी व राजेश मंडल थे, जबकि कमेंटेटर मोहम्मद सादिक हसन,
स्कोरर धर्मजय व हिमांशु थे। मौके पर पूर्व संयुक्त सचिव डॉक्टर सुनील सिंह, राजेश कुमार बैठा, BDCA के डॉक्टर आनंद मिश्रा समेत अन्य खेल प्रेमी मौजूद थे।